आज मैं बनाऊंगी बंगाली स्टाइल में मटन करी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मटन में हल्दी और अब नमक डाल रही हूँ और ये सरसों का तेल। अब सारे कुकिंग सरसों के तेल में ही कीजिए, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और डाल रही हूँ ये मीडियम साइज़ का एक प्याज। और दो मिर्च कट करके अब इसको मिक्स करके रख लूँगी। देखिए मैं मिक्स कर ली, इसको ढक के आधा घंटे के लिए रख दूँगी। और एक पेस्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए ली हूँ दो मिर्च, अदरक और लहसुन। अदरक थोड़ा ज़्यादा लीजिए, पेस्ट रेडी है और मैं कुकर में ही बनाऊँगी। तो कुकर में अब मैं ले ली हूँ ये सरसों का तेल। और बंगाली मटन करी में आलू मस्ट है, तो आलू ले लीजिए। और आलू को मैं इस तरीके से कट कर ली हूँ। अब आलू को मैं गोल्डन गोल्डन फ्राई कर लूँगी। देखिए ये फ्राई हो गया। अब तेल में डालूँगी मैं तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची और गोल मिर्च। अब इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैं चॉप कर ली हूँ। अब इसको फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरीके से फ्राई करना है। अब ऐड कर देंगे मटन, मटन को मिक्स कर ली। अब इसको थोड़ा सा मैं पका ली। अब इसमें ऐड करूँगी पेस्ट और एक टमाटर, मिक्स कर लेंगे। अब इस सूखे मसाले में डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर ली। अब डाल रही हूँ बंगाली गरम मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा मैं भून ली हूँ। और ये आलू और ये चर्बी और लहसुन ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और चर्बी में उस वक्त इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो जब आपको कुकर बंद करना हो तब उससे पहले डालिए। और नमक अपने हिसाब से डाल लीजिए और ग्रेवी आपको जितना रखना है उतना डाल लीजिए। अब कुकर बंद करके मैं मीडियम फ्लेम पर दो सीटी आने दूँगी। देखिए ये दो सीटी आने के बाद मैं कुकर खोली, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, ये रेडी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और कैसा बना ज़रूर कमेंट कीजिए। और लहसुन ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है।